छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जनता द्वारा नकारे जाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई और आप लोगों ने देखा है कि प्रशासन कितनी तत्परता से कार्रवाई कर रहा है। कांग्रेस के 5 साल की सरकार में कानून व्यवस्था की जो दुर्गति हुई थी, हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए, प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने के लिए ठोस और मजबूती से काम करना शुरू कर दिया है। बलौदा बाजार की घटना पर कांग्रेस पार्टी लगातार राजनीति कर रही है और जैसा कि आप सभी ने देखा है कि आंदोलन के दौरान कांग्रेस के लोग किस तरह मौजूद थे, किसी को भी कानून व्यवस्था तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लोकतंत्र में ऐसे कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। देखिए, ये जनता से नकारे जाने के बावजूद अभी तक कांग्रेस पार्टी ये समझ नहीं पाई है और देखा है आप लोगों ने कि किस प्रकार से त्वरित कार्यवाहियां शासन प्रशासन की ओर से हो रही है और वो 5 साल जो दुर्दशा कांग्रेस की सरकार के समय हुआ था, हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था बनाने के लिए, प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने के लिए ठोस और मजबूती से काम करना प्रारंभ कर दिया है। देखिए, बलौदा बाजार की घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार राजनीति कर रही है और जैसे आप सबने देखा है कि किस प्रकार से कांग्रेस के लोगों की उपस्थिति उस आंदोलन के दौरान थी, किसी भी को कानून व्यवस्था तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लोकतंत्र में इस तरह के हरकतों का कोई स्थान नहीं है।